सिनेमा हॉल का अकाउंटिंग करेंगे टैली प्राइम में हम आज इस इनवॉइस के साथ। इनवॉइस बोलिए या मूवी का टिकट, बात बराबर है हर वो अकाउंटेंट के लिए। पर अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि थिएटर ओनर्स या सिनेमा हॉल पैसे कमाते कैसे हैं। वैसे तो फिल्म बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो स्टैंडर्ड प्रोसेस हर फिल्म इंडस्ट्री फॉलो करते हैं वही हम शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और अगर आप एक भी पार्ट स्किप करते हैं तो आपको अकाउंटिंग समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। एक फिल्म को बनने में जितने पैसे खर्च होते हैं वो देते हैं आपका प्रोड्यूसर्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं और सेकंड है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। ये वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फिल्म का टोटल लाइन प्रोडक्शन का खर्चा यही देते हैं। लाइन प्रोडक्शन मतलब जितना खर्च होता है, कास्टिंग से लेके सब कुछ का खर्च यही देते हैं। पर हाँ, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के लिए फिल्म हमेशा हिट ही रहता है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स फिल्म बनने के बाद वे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को सिनेमा बेच देते हैं अपना प्रॉफिट को रख। अब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज फिल्म का सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और डिजिटल राइट्स को बेचकर कुछ डिसेंट अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं। जब भी कोई नया फिल्म आने वाला होता है उसके 2 महीने या 3 महीने से पहले ही उस फिल्म का सॉन्ग्स ट्रेलर्स टीवी में दिखाया जाता है, टेलीविजन में। फिल्म रिलीज हो जाने के बाद बहुत दिन के बाद 1-2 महीना या 3 महीना के बाद वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होता है उस फिल्म का, राइट? ये सब सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और डिजिटल राइट्स का मतलब यही है। एंड देन वे थिएटर ओनर्स को फिल्म सेल करते हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट 7 डेज का होता है, ये देखने के लिए कि फिल्म का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। अगर 7 दिन तक मूवी अच्छा चला देन उसके बाद और फिर 7 दिन का वो लेते हैं, और अगर 7 दिन तक नहीं चला अच्छा देन सिनेमा उठ जाता है सिनेमा घरों से। ये जो 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले कुछ एडवांस थिएटर ओनर्स को देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सिनेमा जितना दिन ही चला हो 1 वीक्स और 2 वीक्स के बाद जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसे कहा जाता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में से टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के बाद जो इनकम, जो रेवेन्यू बचता है उसे कहा जाता है नेट इनकम, और उस नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा हॉल्स अपने में बांट लेते हैं प्रॉफिट रेशियो में, कुछ रेशियो में। वो रेशियो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है थिएटर ओनर्स का कितना अच्छा उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बॉन्ड है, और ऐसे ही फिल्म का बिजनेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्रोसेस में घोटाला तो होता ही होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो थिएटर ओनर है वे जब डिस्ट्रीब्यूटर्स से सिनेमा खरीदते हैं 7 डेज के लिए कुछ एडवांस देकर, 7 डेज तक वो एक चीप के फॉर्म में आता है, जो 7 डेज के बाद फिर आपको उस चीप को रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे मोबाइल का सिम, हम प्लान खरीदते हैं, सोच लीजिए 1 मंथ का प्लान खरीदे हैं, उसके बाद 1 मंथ के बाद 1 मंथ के बाद फिर से हमें रिचार्ज करना पड़ता है। वैसे कुछ मिस कर गए क्या? आप तो शहर में देखते होंगे कि फिल्म्स के पोस्टर्स लगे रहते हैं कि इस दिन को फिल्म रिलीज किया जा रहा है, सो टाइमिंग ये है। मास ऑडियंस को लाने के लिए ये पोस्टरिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स किया जाता है सिनेमा हॉल के ओनर के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले आप ये कार्निवल सिनेमास के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए। आपको तो पता है कौन से 2 बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्रिएट करना होता है। फर्स्ट, स्टेट का मेंशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड नेक्स्ट GSTIN नंबर पुट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्रिएट कीजिए वीडियो को पॉज करके। डन, गुड। तो हम डायरेक्टली वाउचर एंट्रीज करते हैं। वाउचर एंट्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ओनली V। आगे बढ़ने से पहले बिजनेस में हम पैसा ला रहे हैं उसका एक एंट्री पास कर लीजिए। मैं देखिए ऑलरेडी किया हुआ है, रुकिए मैं आपको पेजअप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए हम बिजनेस में पैसा ला रहे हैं बैंक के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। आप ऐसा एक एंट्री पास कर लीजिएगा, अमाउंट में 80,000 रखा हूं। अब बिल में देखिए कि अमाउंट कितना है। नहीं नहीं, टोटल अमाउंट मत देखिए जो कि 198। सर्विस चार्ज एंड CGST एंड SGST लगाने से पहले का अमाउंट देखिए, मतलब जो एक्चुअल टिकट का प्राइस है ये 167.88। ये 2 सीट्स का वैल्यू है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x2, तो पर सीट का वैल्यू हो रहा है 83.94। याद है जब मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल समझा रहा था तब मैं आपको एक बात बोला था, जब भी कोई न्यू फिल्म आता है और थिएटर ओनर अगर अपने 100 टाइम्स के लिस्ट में उस फिल्म को अगर ऐड करना चाहते हैं देन उन्हें फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से कुछ एडवांस देके फिल्म को खरीदना पड़ता है। याद है, इफ यू रिमेम्बर। तो सोच लीजिए कि हम 25,000 रुपीज एडवांस देकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से सिनेमा खरीद रहे हैं। ये तो सभी को पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्विस इंडस्ट्री जो है वो फिल्म इंडस्ट्री ही है, पर टैली प्राइम में एंट्री करते वक्त हम इस फिल्म को
स्टॉक आइटम सा ही ट्रीट करेंगे, हम इसे सर्विस जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे स्टॉक आइटम जैसा ट्रीट नहीं करेंगे देन आप फंस जाएंगे, बिकॉज फिल्म का एक्चुअल अर्निंग फिल्म के टिकट्स को सेल करके ही होता है। मानता हूँ आज का थिएटर ओनर्स टिकट्स सेल करके जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका 20-25% तो वो साइड इनकम करके ही पैसा बना लेते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड पॉपकॉर्न सेलिंग से। पर मैं ओरिजिनल अकाउंटिंग का बात कर रहा हूँ। सोच लेते हैं कि हम 25,000 रुपीज एडवांस देकर फिल्म खरीद रहे हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से फॉर 1 वीक। 1,000 पीपल तो एक वीक में मूवी देखने के लिए आ ही जाएंगे अगर स्टोरी लाइन बहुत अच्छा हो तो। ये मैं कम से कम का बात कर रहा हूँ। तो 25,000 को हम 1,000 से डिवाइड करते हैं। 25,000 हमारा मूवी का टिकट का प्राइस और 1,000 आपका ऑडियंस, तो हमारे लिए पर टिकट का प्राइस पड़ रहा है 25 रुपीज। आप ऐसे सोचिए कि मैं पर सीट्स के लिए 25 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसे 83.94 रुपीज में मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। तो अब हम फिल्म परचेस करेंगे। परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस वाउचर में। F9 प्रेस करके हम परचेस वाउचर ओपन करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी सोच लेते हैं, XYZ-001। पार्टी अकाउंट नेम, हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से सिनेमा खरीद रहे हैं तो क्रिएट कर लेते हैं XYZ। ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए और यहाँ पर क्रिएट कीजिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। देन आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है जिससे हम सामान खरीदे। होगा हमारे लिए वेरी गुड सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो लिखिए SU और देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका है। आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए सन्ड्री क्रेडिटर्स तक पहुंचना है एंड एंटर। देन आपको एंटर करते हुए स्टेट, हाँ ये तो ऑफकोर्स आपका वेस्ट बंगाल ही रहेगा क्योंकि देखिए बिल में देखिए यहाँ पर CGST एंड SGST चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब तो ये इंटरेस्टेड सप्लाई हो रहा है। देन आपको एंटर करते हुए GST IN नंबर तक पहुंचना है और लिख दीजिए नंबर जो है Z44। देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। रिसीप्ट डिटेल्स ये कुछ मत कीजिए, आप इसे कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर दीजिए। फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। अब नेम ऑफ द आइटम, तो हम पहला आइटम क्या क्रिएट करेंगे, ये मूवी का नाम किसमिस बंगाली मूवी। ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए किसमिस बंगाली मूवी। देन आपको एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुँचना है और यहाँ पर आपको अप एरो की प्रेस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है एंड एंटर, और सिंबल में होगा आपका टिकट्स, तो लिखिए टिकट्स TI एंड देन आपको एंटर करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड तक पहुंचना है, ये होगा आपका नंबर्स, तो लिखिए यहाँ पर नंबर्स NO आ चुका है। आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। देन आपको फिर से एंटर प्रेस करना। मार्केट वैल्यूएशन मेथड आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड प्राइस कर देना, तो लिखिए S एंड एंटर और आपको एंटर करते हुए सेट ऑल्टर GST डिटेल्स तक पहुंचना है। Y प्रेस करना है एंड एंटर। डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए ये HSN और SAC नंबर कुछ भी लिख दीजिए और आपको एंटर करते हुए टैक्सेबिलिटी, यस ये ऑफ कोर्स टैक्सेबल होगा, तो लिखिए TN एंटर। एंटर करते हुए आपको इंटीग्रेटेड टैक्स तक पहुंचना है। देखिए यहाँ पर 6% का CGST एंड SGST चार्ज किया जा रहा है, तो टोटल कितना चार्ज कर रहा है 12, तो लिखिए 12 और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका सर्विसेस। आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए वहां तक पहुंचना है एंड एंटर। आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होगा। एंटर। क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं, देखिए अभी हम लोग किए थे 25,000 रुपीज हम एडवांस देके खरीद रहे हैं, राइट। कितने इंसान देख रहे हैं, 1,000 पीपल। कितना आ रहा है देखिए यहाँ पर 25,000 रुपीज है ये आपका एडवांस और 1,000 पीपल है, ये मतलब 1,000 है हमारा ऑडियंस, 1,000 ऑडियंस के लिए टिकट बना रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पर 1,000 क्वांटिटी 1,000 टिकट्स। रेट कितना करके देखिए 25, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 और आपको एंटर करते हुए ये पर्टिकुलर्स में होगा आपका ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर क्रिएट कीजिए परचेस। आपको एंटर करते हुए अंदर तक पहुँचना है, ये होगा आपका परचेस अकाउंट और आपको एंटर करते हुए इसे एक और आप कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर दीजिए। देन आपको फिर से एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। अब टिकट तो मैं खरीद चुका हूँ राइट, और हम दोनों ही रेगुलर डीलर है तो GST तो चार्ज करेंगे ही, यस ऑफ कोर्स, तो GST चार्ज कीजिए। वो हम पे 6% का GST चार्ज कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इस मूवी को 6% GST स्लैब रेट में रखा है। ऑल्ट प्लस सी CGST 6%। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना, ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, तो लिखिए DU आ चुका है। आपको एंटर प्रेस करना है, ये होगा आपका GST। अप एरो की प्रेस कीजिए और एंटर। सेंट्रल टैक्स सिलेक्टेड है, आपको एंटर प्रेस करना है और ये होगा आपका 6%, तो लिखिए 6 और आपको कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर देना है। और देखिए वो कैलकुलेट कर चुका है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर क्रिएट कीजिए SGST 6%। ऑल्ट प्लस सी SGST कितना, वेरी गुड 6%। और आपको एंटर करते हुए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स, तो लिखिए ST एंटर और ये होगा 6 कंट्रोल ए।
और आपको एंटर करते हुए इसे ये होगा आपका एडवांस, क्योंकि हम मैं आपको पहले ही बोला था ये हम जो मूवी खरीद रहे हैं ये क्या एडवांस में कुछ पैसा पेमेंट करके खरीद रहे हैं राइट, तो यहाँ पर लिख दीजिए एडवांस, देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब एडवांस खरीद चुके हैं, अब एडवांस का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा राइट। F5 प्रेस कीजिए और यहाँ पर अकाउंट में लिखिए, ये बैंक से हम पे कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए बैंक SBI, देन आपको एंटर प्रेस करना है। पे तो कर रहे हैं पर किसको कर रहे हैं, XYZ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, तो लिखिए XY आ चुका है, आपको एंटर प्रेस करना है। और हम कितना पे कर रहे हैं उनको, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 28,000, और आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस, और आपको एंटर करते हुए, और देखिए ये बिल नंबर और वो कैश कितना डिपॉजिट करना था सब आ चुका है, आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये कुछ मत कीजिए, आप इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। और हम सेल्स कर रहे हैं, F8 प्रेस करके हम सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। मैं तो एडुकेशनल मोड यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं इस पे हर दिन, मतलब यहाँ पर डेट चेंज हम नहीं कर सकते, तो मैं एक ही दिन में 7 डेज का टिकट सेल करके बैठ जाता हूँ राइट। तो सेल कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेगा कैश, यस कैश, क्योंकि इतना कस्टमर हमारे पास तो हजारों कस्टमर आएंगे, सबका नाम लिखेंगे नहीं तो, तो कैश लिख देते हैं डायरेक्ट कैश। कंट्रोल ए, फिर से कंट्रोल ए प्रेस करना है। नेम ऑफ द आइटम, पहला आइटम क्या हम क्या बेच रहे हैं, किसमिस मूवी, तो लिखिए अधिक के आ चुका, आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। क्वांटिटी कितना पीस सेल कर रहे हैं हम, 1000 ही कर दे रहे हैं, और आपको एंटर प्रेस करना है। रेट कितना करके सेल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 167.88, तो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, कर रहे हैं 167/2 दैट इज 83.94, तो यहाँ पर लिख दीजिए 83.94, और आपको एंटर प्रेस करना है। आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका सेल्स, आपको एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर लिखिए सेल्स, एंटर करते हुए अंडर तक पहुँचना है, ये होगा आपका सेल्स अकाउंट के अंडर में आ चुका है, आपको एंटर प्रेस करना है और आपको कंट्रोल ले करके इसे ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। अब देखिए बिल में देखिए यहाँ पर सर्विस चार्ज ऐड किया जा रहा है 8.92, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं 8.92, ये दो सीट्स में दो टिकट के लिए ये किया, दो सीट्स के लिए किया जा रहा है राइट, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो 4.46 एक टिकट में हम लोग चार्ज करने वाले हैं। तो ऐसे करके हम 1000 टिकट सेल कर रहे हैं, तो इनटू 1000 इज इक्वल टू 4460, मतलब पर टिकट में हम 4.46 करके सर्विस चार्ज कर रहे हैं, तो 1000 टिकट के लिए हम 4460 हमारा चार्ज इतना ही होगा। तो आपको यहाँ पर मिनिमाइज कर लेना और यहाँ पर Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर क्रिएट कीजिए सर्विस चार्ज, देन आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुँचना, ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो लिखिए EX आ चुका है, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए वहाँ तक पहुँचना है एंटर, और आपको कंट्रोल ए करके इस ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। रेट के कलम में मत लिखिएगा, अमाउंट के कलम में लिखना है, 4460 लिख दीजिए 4460, और आपको एंटर प्रेस करना है। अब हम चार्ज करेंगे CGST एंड SGST, तो लिखिए C, एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखिए SGST चार्ज कीजिए। अब देखिए अब मैं टोटल अमाउंट आ रहा है 98,472.80 पैसे नेट, ये हमारा ग्रॉस इनकम है राइट। इसमें से हम, आपको अगर याद होगा मैं फिल्म बिजनेस मॉडल समझाते वक्त ये मैं बोला था कि ग्रॉस इनकम से हम टैक्स माइनस करके जितना हमारे पास बचता है वो होता है हमारा नेट रेवेन्यू राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ग्रॉस आ रहा है, ये 698,472 ये ग्रॉस इनकम है, टैक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना आ रहा है यहाँ पर टैक्स 5000 करके जो है 10,000 कितना होगा, ये माइनस करने के बाद अब हमारा जो मतलब हमारा जो नेट इनकम है वो है 83,940। इसमें से हम सोच लीजिए कि एक हफ्ता का ये मेरा अर्निंग्स है, तो एक हफ्ता का अर्निंग्स में से मैं उनको सोच लीजिए कि थिएटर ओनर मतलब मैं थिएटर ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर का मेरा और डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स्ड हुआ था 60-40, मतलब 60% वो रख लेगा तो 40% मैं रख लूंगा, तो उसी हिसाब से करते हैं। तो फिर देखिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो ग्रॉस इनकम कितना है 83,940, तो लिखिए अब इसका कितना 60% उनको मिलेगा, किसको, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी को, तो लिखिए यहाँ पर 60/100, तो फिर 50,364 रुपीज वो हमसे पाते हैं। इसमें से मैं उनको 25,000 रुपीज एडवांस दे चुका हूं, तो यहां पर माइनस कर देते हैं -25,000, तो टोटल वे हमसे पाते हैं 25,364, इतना हम उनको पे करने वाले हैं, मतलब 1 वीक का ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओके 25,364। पहले इसका ये एंट्री तो हम पास कर लेते हैं, आप एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है।
अब हम पेमेंट करेंगे, F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट हम सोच लेते हम उनको कैश में ही पे कर देना, तो यहाँ पर लिखिए कैश, सी एंड एंटर। कितना पे करेंगे, किसको पे कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स XYZ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, देन आपको एंटर प्रेस करना है। और हम उनको कितना पे करने वाले हैं, हम उनको पे करने वाले हैं 25,364 रुपीज, देन आपको एंटर करते हुए ये ऑन अकाउंट आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ओके थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।